भाग के गई वे वो, क्योंकि वहाँ पे दो पिजन आ गए खाना खाने, तो भाग के इधर बैठी थी, भाग के गई। और एक तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, सुबह का टाइम ना इनके लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि सारे पिजन्स आते हैं वहाँ पे जो खाना रखा हुआ है खाने के लिए। तो ये दोनों को देखो, फेवरेट टाइम पास, एक इस तरफ आ गया, बेबो को देखो, बेबो पूरी कॉन्शियस हो गई कि मैं पकड़ लूँगी। ये देखने में इतना मज़ा आता है ना, एवरीडे सुबह सुबह ये देखना। यहाँ पे मैं बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बस यही देख रही हूँ, बहुत मज़ा आता। चुनी बेबो, अब ये सुनेगी नहीं। सो अभी मैं जीत के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच टाइप का, तो वो ऐसे ही लेके चले जाते हैं, तो इस टाइप का सैंडविच वगैरह, उनको ऐसे मीटिंग वगैरह में कहीं जाना हो तो वो गाड़ी में भी खा लेते हैं आराम से, तो वही बना रही हूँ। सुबह मैंने एग बॉयल कर लिया था, तो ये एक है देसी पटाखा सॉस, ये बहुत स्पाइसी टाइप का है, तो थोड़ा सा ऐड करने से हल्का सा एक स्पाइस मतलब आता है, अच्छा लगता है। तो ये लगा दिया है ऊपर से, ये बॉयल एग ऐड कर दिया है। हनी बनी को भी सेम मैंने टिफ़िन में दिया था, बट उनका ये स्पाइसी सॉस नहीं लगा था, उनका थोड़ा सा मैंने मिंट चटनी जो है वो लगा दी थी, हरी चटनी जो है वो लगा दी थी। तो बस ऊपर से ये थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा काली मिर्च वो है वो स्प्रिंकल कर दिया था, एंड बस चीज़ जो है वो डाल दिया था, चीज़ का एक स्लाइस जो है वो ऐड कर दिया था, बस उसको बटर पर सेक लिया था। तो बच्चों को भी इस टाइप का सिंपल सा सैंडविच पसंद आता है, एंड जीत का तो अंडा बहुत उनको पसंद है, तो उनको भी बहुत पसंद आता है, तो वही बना लिया था बस उनके ब्रंच में, बच्चों के टिफिन में। मंदिर के नीचे देखो कौन है दोनों। चोनपरी, चोनपरी है और मेरा एक बाबा है। क्या है? बोला तो नोज कैसे पूरा नाल दिया थे? उतर जा। हाँ सिम्बा, मतलब एक तो उधर है वो क्या पैंप क्या करता है, पैंपिंग, पैंपिंग क्या है, पैंटिंग, पैंटिंग जब करते हैं तब नोज लाल होगा, तब तो बहुत एंजाइटी में, अभी खुश है तो नाल है। अरे अरे खाना मुझे अबड़ा कोटी खा जाता हूँ, सब जानता है। आ जा सिम्बा, शाबाश, तेरे ऊपर तो बस दियो, तारे ऊपर बस दियो, तारे ऊपर इस बसु। सो अभी ये लाइट वगैरह निकाल रहे हैं, लाइट क्या रॉड ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वो रॉड पूरा खोखला है, ये खाली शेयर कर्टन इधर डाल दो, शेयर कर्टन लगाया था तो वो संभला हुआ था, जैसे ही वो दूसरा वाला हेवी वाला कर्टन लगता है ना झुक जाता है ये, तो वो पूरा उसमें वाइट सीमेंट डाल के उसको वो करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा वो वॉल को, पूरा खोखला है, उसके अंदर क्या लकड़ी वगैरह सब डाल के उसको सेट किया था बस दिवाली से पहले। तन्मय देख, तन्मय दांत निकल आएगा, वो वैसे भी हिल रहा है दांत सामने, बोल के अलग हो जाएगी। हैप्पी एनिवर्सरी राहुल मामू एंड भैया बाबी।
कान, हाँ एक एक कान का एक हाथ का हाथ रखो कि ये गिफ्ट दिया है, विश मांगो। राहुल गौरी भाई भूलेंगे नहीं कि उनको ये गिफ्ट मिला है। हैप्पी एनिवर्सरी, भूलेगी भूल राहुल में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। चम्मच पूरा दे दे। हाफ नाउ नेक आधा आंटी क्या हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। से हेलो एंड शो योर बनी टीथ, हां हनी शो योर बनी टीथ, हाउ हनी शो योर बनी टीथ। कैसे ऐसे ऐसा निकल आया गाइस, वो जो दांत थोड़ा सा हिल, आंखें कैसे कर रहा है, वो दांत थोड़ा सा हिल रहा है ना, तो उसके नीचे ऑलरेडी दांत आना स्टार्ट हो गया, मतलब उसके साइड में दांत आना स्टार्ट हो गया जो कि गैप हो गया है, तो उसको वो पुश कर रहा है आगे वाले दांत को, तो वो ऐसे टेढ़ा ऐसे बनी जैसा रैबिट जैसा ऐसे बाहर निकल के आ गया है। आप भी आ सकते हो फ्रेम में, आपने आना। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप? हनी हाउ आर यू? You're getting the bunny teeth now? देखो देखो साइड में दांत आ गए हैं, तो उसको पुश करने लगे, तो आज हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, तो दिखाएंगे कि पीछे से पुश कर रहा है तो ये वाला दांत निकाल दे कि रहने दे, क्या करना है वो डेंटिस्ट को दिखाने जा रहे हैं। घर से निकल गए हैं और एक लिया है चाय, छाया छाया एंड थोड़े थोड़े काम है, चावल खत्म हो गए, चावल लेने जाने हैं, मुझे पौधों के लिए मिट्टी लेना है, छुटरू मुटरू काम है घर के सब, छुटरू मुटरू काम है, आउटलेट मॉल जाना है, छुटरू मुटरू काम के सारे काम, तो वही निपटाने। 4 बज रहे हैं अभी, अब निकल रहे हैं अभी घर से। बढ़िया, एक काम कर तू इस तरफ आ जा। क्यों चला? मैं थोड़ी देर से पीछे पड़ा हूं। आपको सोना है तो सच में अब घर चलो फिर, अगर अगर सोना है आपको सच में सोना है। नहीं मैं ऐसे तेरे साथ में जाता हूं, लंच करने के बाद ऐसे ही नींद आ रही है सबको, इसलिए तो मैंने चाय लिया है। चलो दुनिया प्लांट सब आए हैं नया, वो सत्वा मार्केट में। मुझे फिर से किसी ने मैसेज किया था कि दी कौन से शॉप है, तो गाइस आप मतलब जिनको भी आना है सत्वा प्लांट नर्सरी आप सर्च करोगे ना तो आपको अपने आप गूगल में दिखा देगा कि कौन सा ऐसे पर्टिकुलर शॉप का नाम। मैं देखती हूँ मैंने कौन सा कहाँ से लिया था। ये देखिए यहाँ पे 3-4 शॉप्स हैं एंड इस तरफ को 1-2 शॉप्स है, बस यही 4-5 दुकान है, बट आप गूगल में बस सत्वा प्लांट नर्सरी सर्च करोगे तो आपको अपने आप लोकेशन दिखा देगा। अच्छे क्वालिटी का प्लांट मिलता है, वो पहला वाला शॉप है ना, कुछ हमाद खालिद ऐसे कुछ है, मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से वो वाला शॉप, तो यहीं से हमने लिया था वो पिटूनिया प्लांट। पिटूनिया के हमारे घर के इंडोर प्लांट, ऑफिस के इंडोर प्लांट, सब कुछ हमने यहीं से लिया था, अच्छा क्वालिटी का मिलता है। वर्सन में बहुत वैरायटी है जो बड़ा नर्सरी है, बट फिर बहुत दूर पड़ जाता है तो हम लोग यहीं से आके ले जाते हैं। गाइस डॉक्टर के पास जाने में 7 मिनट बचा है, मतलब 7 मिनट में क्लिनिक ओपन होगा, तो 7 मिनट हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, गाड़ी का सीट पूरा रिक्लाइन कर दिया है और डाडा का मसाज चल रहा है। देखो ये मेरा पर्सनल मी टाइम है, मैं अपने हनी बनी मसाज सेंटर में पूरा सीट को रिक्लाइन कर दिया देखिए, और तेरा पूरा रिक्लाइन, मेरा मसाजर किधर है बनी? कौन? कौन?
घर जाके सोना है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस, अब डॉक्टर आएगा 10 मिनट बाद, तो भी क्या करेंगे, 10 मिनट हो जाएगा अभी। आजा रुको जल्दी, वो देखो पीछे चला गया है पूरा, वो अपना टेंट टेंट के साथ। व्हाट हनी, डू यू नो दिस इज योर शॉप, सो हनी विल गेट मनी? यस। हाउ मच हनी विल गेट? हे, वेयर यू केप्ट योर दिवाली मनी? मी, यू आर नॉट बाइंग टॉयज? No, yeah, I still have 11 dirhams. I still also. Okay. You do? You should have got, no, then. You do? No. You do massage, mamas. Where? Head massage. They're pulling? No. Kiri jor go to bed. Just do it like this massage. Yes, honey, you can do more. Aisa service gaadi mein kahan milega? Ye bas bachchon ke saath milega. What honey like tell? Hanuman. Yeah, is that? Jai Mata Di. First of all, you know, I don't like to do it, but I have no. Nahi, dard ho raha hai? To fir dard kyun ho raha hai yaar? Nothing. You know, sit in this. Will not get pain. Yes. Bas baba, bas. Done, mera bachcha, done. Acha, cotton laga lete, cotton. Done. तो गाइस हनी का दांत निकल गया, तो हनी की वजह से सारे आइसक्रीम खा रहे हैं। चीयर्स टू हनी, बिकॉज़ ऑफ हनी एवरीबॉडी गॉट द आइसक्रीम। यस, सभी लोग खा रहे हैं हनी की वजह से, है ना? थैंक यू हनी। नाउ यू विल गेट गिफ्ट आल्सो, टूथ फेरी विल गिव यू गिफ्ट, हां यू विल आल्सो गेट। और पहला दांत दोनों में से पहला दांत हनी का निकला, अभी तक एक भी दांत नहीं निकला था। पहला टिप डॉक्टर ने हमें दिया है पाउच में, लेके जा रहे हैं घर, पूरा कलेक्ट करके रखूंगी सारे। डॉक्टर बोले मैम मैंने भी अपने बच्चों के सारे रखे, मैं उनको बोलती हूँ मेरी मोतियाँ। तो चलिए ना, ओके टू गो। थोड़ा सा मतलब वो नीचे का आ गया था ना, तो उसको मतलब ना वो निकल रहा था ना वो आ पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा एनेस्थेसिया देके उसको निकाल दिया। कट लेट गो, इट हर्ट लिटिल, नाउ इट्स फाइन, ओके। तो हनी का दांत निकला, तो टूथ फेरी ने हनी को गिफ्ट दिया है। Who is the tooth fairy? टूथ फेरी कौन है? तो दांत निकलता है तो बच्चों को, दांत अगर पिल्लों के नीचे रख दोगे तो नेक्स्ट डे सुबह दांत टूथ फेरी ले जाती है और उसके बदले में कुछ दे देता है। हमारे बचपन तो ना होता था। सुनो, हमारे बचपन ऐसा होता था, हमारे बच्चों ने तो अगर दांत हिल रहा तो एक रैपट मार के वापस दांत उतार दिए। तो हमारे बचपन में ऐसा होता था कि मूसा ने जीवा दांत तो पर मूसा आने पैसा था। हाँ, मूसा तो नहीं उतला पर पैसा भी दो, हाँ दो थला देता था पैसा मूसा। इनके हमें मूसा चेंज होकर टूथ फेरी आ गया है। ए, हु गेव यू दिस टूथ फेरी? हु इज द टूथ फेरी? डैडा मामा। चलो, वेरी गुड, चलो।
Hey, only first tooth broke, that's why you got the tooth fairy gave you gift. आगे जो दांत निकलेगा उसका कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा और सात आठ दांत निकलेंगे. हाँ, every teeth there should be some surprise. चलो. नब्बानी का जब first tooth निकलेगा तब मिलेगा gift.